एक ही लड़की के साथ करी मैंने, कोई चार पांच लड़कियों के साथ तो की नहीं। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ, गाल पे हक कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ दिखा सकते हैं मतलब वो चीज़ अलाउड है दिखाना। यही सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, बट ये पता था मुझे कि ये घबरा गई है। उसने ऐसा बोला कि फ्रेंड है भाई, तू जानती फ्रेंड है लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं है। मेंटल हेल्थ के मजाक उड़ाने की बात करें तो उसने भी तो खानजादी की मेंटल हेल्थ पे मजाक उड़ाया था कि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं थी, आपके पास थी तो आपने थप्पड़ उठा दिया, हाथ उठा दिया। बिग बॉस 17 में जो ट्रायंगल सबसे ज़्यादा चर्चे में था, चर्चे में है, समर्थ, ईशा और अभिषेक, लेकिन वो ट्रायंगल अब टूट चुका है क्योंकि समर्थ बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले समर्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और कोई ट्रायंगल वेंगल नहीं था, बहुत क्लियर था ईशा और मैं साथ में। अभिषेक ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि मुझे कुछ ऐसे ईशा से है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रायंगल था। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इमरान हाशमी बन गए थे आप बिग बॉस 17 के घर के अंदर, व्हाट डू हैव टू से ऑन दैट? देखिए इमरान हाशमी तो ऐसा मुझे लगता है पप्पी ओप्पी ही देखी होंगी आपने, और एक ही लड़की के साथ करी मैंने, कोई चार पांच लड़कियों के साथ तो की नहीं, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर इमरान हाशमी बोल रहे हैं मुझे तो, ऑफ कोर्स इमरान हाशमी तो बहुत अच्छा एक्टर है, तो मुझे उनसे कंपेयर किया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि नेशनल टेलीविज़न पर, क्योंकि यू नो हिंदुस्तान की जो जनता है काफ़ी लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, लेडीज़ देखती हैं, स्पेशली मेरी मम्मी भी देखती हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि ये सही था? बिल्कुल उसमें कुछ गलत नहीं था। अगर आप टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में आप सीरियल्स भी देखते हैं, तो उसमें प्यार मोहब्बत की कितने सारी चीज़ें दिखाते हैं, शोज़ आते हैं कितने सारे, कि एक प्यार करने का तरीका है। अगर कोई चीज़ दिखाना अलाउड है कि भाई ये चीज़ हम दिखा सकते हैं, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ गाल पे हक कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ दिखा सकते हैं मतलब वो चीज़ अलाउड है दिखाना, टेलीविज़न पे लीगल है दिखाना, एंड उसमें कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक तरीका होता है आपका प्यार दिखाना। मुझे याद है जब आप बिग बॉस के अंदर जा रहे थे, मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं और ईशा रिलेशनशिप में, आपने बकायदा सभी लोगों को कहा था जितने जन वहाँ पर थे, लेकिन जब आप घर में एंट्री आपने ली तो ईशा ने डिनाई कर दिया, आप क्या बोलकर आए हैं बाहर, आप क्या बोलकर आए हैं, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी, आपके यू नो जो थॉट प्रोसेस था उसमें क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे आप? मैं भी यही सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, बट ये पता था मुझे कि घबरा गई है, डर गई है, एकदम समय क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, एक्सेप्ट करूँ डिनाई कर दूँ। उसने ऐसा बोला कि फ्रेंड है भाई, तू जानती फ्रेंड है लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ऑफ कोर्स घबरा गई थी। 19-20 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करोगी कि एकदम से वो बोल भी देगी हाँ ये है। टाइम लिया उसने, आधा घंटा लिया, उसके बाद एक्सेप्ट किया उसने, सब कुछ सबने उसको समझाया, बड़े लोगों ने तो किया उसने। अच्छा, एक चीज़ की वजह से आपको और ईशा को लोग काफ़ी ज़्यादा यू नो बैश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यू नो अभिषेक को पोकिंग को लेकर, कि उसकी मेंटल हेल्थ को जो उसका मजाक उड़ाया गया, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। चिंटू भैया क्या कहेंगे उस पर आप? अगर मेंटल हेल्थ के मजाक उड़ाने की बात करें तो उसने भी तो खानजादी की मेंटल हेल्थ पे मजाक उड़ाया था, उसकी जो भी उसको इश्यूज थे, मेडिकल डिसीज़ वगैरह थी उसके साथ जो भी हुआ था, उस पर भी उसने मजाक उड़ाया था। जब उसने बोला तब किसी ने कुछ नहीं बोला, जब मैंने बोला तो तब मुझे सब लोग बोलने लग गए, और मेरे पीछे भी बोलने का रीज़न था, बिकॉज जो लड़ाइयाँ हुई थी वो दिमाग में मेरे बैठी थी, वो फ्रस्ट्रेशन मेरे दिमाग में बैठी थी, वो गुस्सा मेरे दिमाग में बैठा था, वो सब हुआ तभी मेरा रिएक्शन निकला, कोई अंदर से मेरे चुल्ले काटेगी कि मैं उसको जाके पोकिंग करूँगा। लेकिन जो थप्पड़ उन्होंने जड़ा तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर ये अलाउड ही नहीं है बिग बॉस के अंदर, आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ है, राइट? बिल्कुल थप्पड़ मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इट्स अगेंस्ट द रूल्स। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा था मुझे, उससे देखा था कि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं थी, आपके पास थी तो आपने थप्पड़ उठा दिया, हाथ उठा दिया, गलत है, मैंने जो किया वो भी गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन करना ज़रूरी था ये मैं बोलूँगा। क्या माफ़ करेंगे आप अभिषेक को? अभिषेक को बाहर मिलते हैं अगर सॉरी बोलते हैं या चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो माफ़ करेंगे आप? ऑफ कोर्स अंदर भी उसने सॉरी बोला था, लेकिन मैंने उस चीज़ पे कुछ रिएक्ट किया नहीं था, रिएक्शन इतना दिया नहीं था, बट बोलते ना यार ऐसे तो शो में भी मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी, तो बाहर अकेले सी मिलते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं मिलूंगा, आशा कल तक नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलेंगे, मिलना होगा तो मिलेंगे, ऑर्गेनिकली दोस्ती होगी तो करेंगे। अभिषेक का जो नेचर है घर में, बहुत कभी कभी यू नो उनका एक बोल सकते हैं कि रियल साइड है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, यू नो गुस्सा भी वो उतना ही करते हैं, तो क्या आपको लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फेक लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा रियल है, तो आपको क्या लगता है उस पर, आप क्या कहेंगे?
देखो शो में भी था तो उसको मैं चिढ़ा के बोलता था, नकली कुमार करके हाँ, बोलते थे, हम सभी बोलते थे हाँ, विक्की भाई मैं, सब लोग ही बोलते थे। हाँ कुछ कुछ रिएक्शन हमें ओटीटी लगते थे, ओवर द टॉप लगते थे, तो उस पर बोलते थे कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया यार। अच्छा। फिर जब उसको बोल दिया तो उसके बाद उसका रिएक्शन बहुत लाइट हो जाता था, तो मैं बोलते यार आप लाइट कैसे हो गया अगर तब ज़्यादा था तो। हाँ कहीं ना कहीं मुझे फेक लगते थे उसके रिएक्शन। हाँ ईशा के लिए जो वो करता था उसके इमोशंस थे, उस पर मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ ये भी तरह नकली है। अच्छा सोशल मीडिया पर लोग एक सवाल और ज़्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि ईशा और ये समर्थ का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, तो समर्थ से जानते हैं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि उनके फादर ने तो डिनाई कर दिया है, इसने डिसअप्रूव कर दिया है। हाँ ईशा का थॉट्स है, सबके अलग अलग थॉट्स होते, कोई बोलता है कि जैसे शो में बोला अभिषेक ने कि भाई 2 महीना, मुना वाले बोला 4 महीना, उनके फादर ने मना किया या जो भी किया, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ बाप के अनुभव पे आप नहीं जी सकते, आपके खुद के डिसीजंस होते हैं। ठीक है उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उनको आपको साबित करना पड़ता है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ गलत है। अच्छा अपार्ट फ्रॉम योर गेम, अंकिता जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कई बार सुशांत सिंह का नाम मेंशन किया उसमें शो में, लेकिन लोग बाहर ये बोल रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव उनका हो रहा है कि सिंपथी गेन करने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस साइड पर, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत ऑर्गेनिकली उनका नाम आया सुशांत का, उन्होंने जो भी जितनी बार भी लिया है ऐसा नहीं कुछ सिंपथी गेन करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही रियल पर्सनैलिटी है, जैसी बाहर है वैसी अंदर भी है। कई बार आप बैठ रहे थे कन्वर्सेशन में, आपको कुछ याद आ जाता है सुशांत का कि यार ठीक है फ्लो फ्लो में आपने नाम ले दिया, ऐसे कुछ ऑफकोर्स उनके साथ उनका कोई पास रहा है तो लिया होगा नाम, उसमें कुछ गलत नहीं, कोई सिंपथी गेन ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल कुछ कर रही है सिंपथी गेन। अंकिता जी और विकी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लड़ाइयां हुई, अंकिता जी ने चप्पल फेंक कर भी मारी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, अगर मैं गिनाने जाऊं तो आई थिंक ये इंटरव्यू कम पड़ जाएगा, तो क्या कहेंगे आप समर्थ उस पर? पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं लेकिन नेशनल टेलीविजन पर तो क्या मतलब, ये एक रियलिटी शो है, अब रियलिटी शो पर अगर रियल नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे आप? जैसा कि आपने मुझे बोला इमरान हाशमी की पप्पियाँ देता है, तो वो भी तो रियल ही, वो रूल्स में ऐसा तो नहीं लिखा था कि आप पप्पी नहीं दे सकते, रूल्स में ऐसा तो नहीं लिखा था कि आप अपने हस्बैंड को मार नहीं सकते, रूल्स में ये लिखा था कि हाँ आप हाथ नहीं उठा सकते एग्रेशन में, तो जो जो रूल्स में लिखा था वो हमने किया है, सिंपल। अच्छा करण सर ने काफ़ी ज़्यादा ईशा को बैश किया, डबल स्टैंडर्ड्स बोले, दूसरों के मैटर में हमेशा घुसती हैं, आयशा और मुनव्वर को एक मुद्दा लेकर उन्होंने बोला, राइट आप क्या कहेंगे उस पर पूरा जो वाक्य हुआ? वो जो करण सर ने बोला था इस पे ईशा का टेक ये था कि हो सकता है बाहर ऐसा देखा हो, लेकिन आई डिसएग्री विद दिस, ईशा ने ऐसा बोला था, उसको ऐसा लगता है कि जो जो उसने बोला है मुनव्वर के लिए, और मैंने सच बताऊँ तो वो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, सबके सामने इसलिए होनी चाहिए बिकॉज जिस तरीके का कैरेक्टर दिखा मुनव्वर का, कितनी सारी लड़कियाँ हैं और जो भी उसका चल रहा था कि भाई झूठ बहुत बोलना, बातें छुपाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यंगस्टर या फिर कोई भी लड़का, बच्चा, भाई, कोई लड़का मतलब उससे इंस्पायर ना हो, 1% भी प्रेरित ना हो। मेरा मोटिव ये था कि ये मैसेज जो है सबके सामने आए, अब सबके सामने कैसे आएगा, आप ज़्यादा बात करोगे सबसे, सबके सामने बात करोगे भाई ये तूने ऐसा किया है, तो मैं तो ये चाहता था, मेरा मोटिव ये था। अब ईशा का जो नेचर है वो कैसा कि हाँ भाई कोई टॉपिक निकला तो यहाँ से उधर जाके बताना, ये करना, तो उसने किया, कुछ गलत नहीं किया। आपको कौन लगता है कि हु इज द स्मार्टेस्ट वन इन द हाउस? स्मार्टेस्ट तो मुझे विक्की भैया एंड ईशा। हु इज द फेक वन? मुनव्वर एंड अ लिटिल बिट अभिषेक, बहुत छोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन मुनव्वर भी अभी मतलब। अच्छा हु डू यू थिंक इज द ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है? आयशा, आयशा थोड़ी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, जब आई थी तो भी हमको लगा था अरे बाप रे ये क्या चल रहा है, एकदम से थोड़ा फेक एटीट्यूड दिखा था उसका, लेकिन ठीक है चीज़ उसने बोली, बट वो थोड़ा दिखता है उसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्यों। अच्छा चमचा कौन है? चमचा तो अब कोई भी नहीं है, जो चमचे थे वो बाहर हो गए सारे, और हाँ ये कह लो कि आप सबके दिमाग का पोटेंशियल होता था, कोई कम दिमाग चलाता लेकिन फिर भी वो आग दिखती कि भाई शो में रहना है, तो अभिषेक ऐसा है कि भाई इतना दिमाग नहीं चला पाता लेकिन फिर भी उसको जानना है, तो मुनव्वर से या विक्की भाई से पहले रहता था कि यार मुझे बताओ ऐसा बताओ ऐसा बताओ, तो वो कह सकते हो कि हाँ एडवाइस लेता था बहुत, एक मेंटर के रूप में देखता था विक्की और मुनव्वर। अच्छा कौन लगता है कि ये विनर के रूप में बाहर आ पाएगा?
ईशा या अंकिता में से कोई एक। ईशा और अंकिता में से कोई एक। चलिए थैंक यू सो मच चिंटू जी हमारे साथ बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।